हाय, मेरा नाम है आनंद पहान और आप देख रहे हैं बातों ही बातों में। तो बातों ही बातों में एक बात ऐसी निकल के आई है कि उस बात में ही कुछ अलग बात निकल के आई है। तो आज हम उसी बात के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बारिश के बारे में। तो आज मेरे साइड में बारिश हो रही थी और मैं बारिश में भीग गया। तो कुछ बात याद आ गई, वही बात जो कुछ याद आने वाले होते, कुछ यादगार बात, वो पल जो याद आते हैं। अगर आपके साइड में भी आज बारिश हुई है तो कमेंट में बताइए जरा कि क्या बारिश हुई है आपके साइड में। तो बात करते हैं बारिश की। तो बारिश की भी बहुत अलग बात होती है। होता यूं है कि बारिश तो हर बार लगभग सेम सी लगती है, पर हर बार कुछ यादें नहीं दे जाती। हर बार बारिश में नई यादें बनती है, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि हर बार हम लोग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पिछले साल जो हम होते हैं वो इस साल भी हम वही हैं। नहीं, हम बदल चुके होते हैं। हम बदलते हैं हर रोज। एक चीज़ जो कांस्टेंट है, वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ जो कांस्टेंट है वो है चेंज, जो कि हमेशा होती रहेगी। तो हम लोग हर रोज़ बदलते रहेंगे। हमारा माइंडसेट बदलता है, हमारे इमोशंस बदलते हैं, लोग बदलते हैं लाइफ में जो आते हैं, तो चीज़ें बदलती जाती है और लोगों के साथ में यादें भी नहीं बनती जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हर बार लोगों के साथ में एहसास नया होता है, फीलिंग्स अलग होती है, सिचुएशन अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है। बस यही चीज है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, वही मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बारिश तो बस बारिश होती है, अच्छी या बुरी नहीं होती। वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं, सिचुएशन कैसे होती है। अगर हम खुश होते हैं तो हम एंजॉय करते हैं, अगर दुखी होते हैं तो बैठ के खुद को संतावना देते हैं, तब हम मेडिटेट करते हैं बारिश में, सोचते हैं क्या गलत क्या सही, ये क्यों हुआ। लाइफ में ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, पर जब लाइफ में जब अप्स होते हैं तब बारिश का मजा लेने में भी बहुत मजा आता है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अगर किसी को मेरे साथ खुशियाँ शेयर करनी है तो आओ मेरे साथ खुशियाँ बांटो। पर हम बारिश का यूज भी करते हैं अपने गम को छुपाने के लिए, जिस तरीके से खुशियाँ दिखाने के लिए बारिश में भीगते हैं, कई बार हम लोग अपने गम को छुपाने के लिए भी बारिश में भीगते हैं। जब भी रोना चाहते हैं हम लोग बारिश में भीगते हैं, और ये खास करके लड़कों के साथ, क्योंकि वो खुलेआम बहुत कम रोते हैं। आपने शायद ही किसी को रोते देखा हो, वो एक गाना है ना दरअसल रावल का, आती हो तो बारिश लेते आना, जी भर के रोने को दिल करता है,
जी भर के रोने को दिल करता है। क्या है ना कि जब भी बारिश होती है कोई इसका मजा लेता है और किसी को इससे तकलीफ होती है, पर बात ये भी है कि जो फायदा लेता है उसको भी कभी न कभी बारिश से तकलीफ हुई होती है, और जिसको तकलीफ हो रही है कभी न कभी वो भी बारिश को एंजॉय करता है। तो पूरा का पूरा चीज उस पे डिपेंड करता है कि बारिश में वो क्या करता है। तो अब क्या है कि कुछ रात बारिश की बहुत ज्यादा याद आती है। याद इसलिए आती है क्योंकि उनमें बात ही कुछ अलग होती है। वो बातें बहुत शायद तकलीफ वाला होता है या फिर इतनी ज्यादा खुशी वाली कि वो भूले नहीं भूलती, हमें याद रह जाती हमेशा पूरी जिंदगी भर। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर किसी ना किसी की जिंदगी में ऐसी कोई ना कोई रात होती है, बारिश वाली रात, जिसे लगता है कि ये रात दोबारा फिर से हो, या फिर ऐसी बात कि वो रात दोबारा फिर कभी ना। तो वो रात जो दोबारा कभी ना आए वो क्यों चाहता है, क्योंकि बारिश तो उसे भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो शायद उस लम्हे को दोबारा जीना नहीं चाहता, यादों को फिर से समेटना नहीं चाहता, यादों में वही लम्हा जीना नहीं चाहता। कुछ बात होती है भूले नहीं भूलती, याद करके लंबी गहरी सांस लेना पड़ जाता है कुछ इस तरीके से। पर अच्छी बात ये भी है कि कुछ रात ऐसी भी होती है कि वो भूले नहीं भूलती, उसे दोबारा जीना चाहते हैं। हाँ, दोबारा जीना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो बात फिर से हो, वो रात फिर से हो। बहुत मजा आता है, चाहते हैं कि ये चीजें दोबारा फिर से हो। तो इसमें बारिश की कोई गलती नहीं है, बारिश अच्छी या बुरी नहीं है, बस बारिश तो बारिश है। तो बारिश में भीग गया था तो ये बात याद आई। तो इस एपिसोड को यहीं पर इतना ही सा रखते हैं। अगर आपके साथ भी बारिश का कोई किस्सा है, कुछ याद आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बताइए आपके साथ में बारिश की क्या यादें, क्या वो रात काली थी या कली खिली हुई थी, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट ये चीजें हैं। तो बारिश, बारिश के नाम। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में कुछ और बात के साथ। और हाँ, रुकिए जरा, अगर ये चीज़ पसंद आ रही है, यहाँ तक आए गए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब वाला लाल बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हैं, दबा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे दोस्त की ज़रूरत है, एक नई फैमिली की ज़रूरत है। क्या आप बनना चाहेंगे मेरे वो दोस्त, मेरे वो फैमिली मेंबर?
ज्वाइन कीजिए। ओके, मिलते हैं।